प्रदेश में चार सीटों पर शनिवार को हुए उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी गड़बड़ी की कोई शिकायत निर्वाचन विभाग को नहीं मिली है। नसीराबाद विधानसभा में मतदान के लिए 212 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिन पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता गैना और कांग्रेस के रामनारायण गुर्जर के बीच माना जा रहा है। यहां से अखिल भारतीय आमजन पार्टी के विजय सिंह रावत भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि जागो पार्टी के उम्मीदवार इद्रिस मोहम्मद पठान की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि नसीराबाद में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिए गए हैं। मतदान समाप्ति के बाद कांग्रेस उम्मीदवार रामनारायण गुर्जर ने दावा किया कि मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है और इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। गुर्जर ने आरोप लगाया कि गत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने युवाओं की उम्मीदों को जगाकर वोट हासिल किए थे, लेकिन इसका फायदा जनता को नहीं मिला। यही वजह है कि मतदाता एक बार फिर कांग्रेस की ओर आकर्षित हुआ है। पूरे कार्यकर्ता एक एक बूथ पे लगे हुए हैं और बड़े जोश खर्च के साथ साथ ही हमारे नेताओं ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। निश्चित जीत होगी, हमारी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। 16 सितंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है और जनता किसकी ओर आकर्षित हुई है। नसीराबाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रामनारायण गुर्जर ने कुराड़ी गांव के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। गुर्जर ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए पहले क्षेत्र के मंदिरों में जाकर अपनी जीत की प्रार्थना की। रामनारायण गुर्जर पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे गोविंद सिंह गुर्जर की समाधि पर भी गए और उन्हें नमन किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए गुर्जर ने अपनी जीत का दावा किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार सरिता गैना नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की नहीं होने के चलते अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।